वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। जनाब, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे और हमेशा की तरह शो ट्यून कर चुके होंगे, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की होती है, जो हम आपको सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपको डिलीवर करते रहते हैं। कल की हमारी ट्रांसमिशन रही जो पंजाब असेंबली में हल्फ उठाए गए, तो हमारा शो तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसमिशन चूंकि हमने 3 घंटे की, तो आज हम नई एनर्जी के साथ वापस आए और अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं जो रिसर्च आपके साथ शेयर करती होती हूँ वो मैं आपको बताती चलूँ और आपको बताऊँ कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की बात की जाए तो आज उनकी 57th जो बरसी है वो मनाई जा रही है। उर्दू की तरक्की के लिए उन्होंने बेशुमार काम किया, नो डाउट उनकी खदमात को बिल्कुल भी जो है फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके बारे में बात की जाए तो अजीम उर्दू मुफक्किर भी रहे, माहिर लसानियात भी रहे, मुअल्लिम और अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज कराची के बानी भी रहे। मौलवी अब्दुल हक की बात की जाए तो उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी उर्दू ज़ुबान के हवाले से और इसकी फ़रोग के लिए, इसकी इशाद के लिए वक्फ कर दी। मतलब उर्दू की जो एक कहले रूह है उसने उनकी उसको पॉजिटिव तरीके से लाने में मौलवी अब्दुल हक का बहुत एक अहम रोल भी रहा। उनकी जो पूरी ज़िंदगी है उसमें देखा जाए तो उन्होंने ज़ुबान को किस तरह से उसको फैलाना है, उसकी तमाम तर चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया। उनकी मेहनत का फल कुछ इस तरह से हुआ कि वो उर्दू ज़ुबान के जो है बाबा भी कहलाए। 1935 की बात की जाए तो जामे आसमानी के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब भी दिया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का हिस्सा ही बन गया। और उनके एतराफ़ की, उनकी खदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 23 मार्च 1959 को उन्हें सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी भी दिया। और उर्दू ज़बान की बात की जाए तो उनका ये जो एक सफ़र था जो अजीम इंसान का, वो 16 अगस्त 1961 को कराची में गरूब हुआ। और नो डाउट उर्दू ज़बान की आलमगीर जो हैसियत है उसके पीछे मौलवी अब्दुल हक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अहम जो है उनकी एक कंट्रीब्यूशन रही है। तो आज उनकी 57th बरसी जो है वो मनाई जा रही है। इस हवाले से भी आपको बताया, अगली रिसर्च भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बताएं कि पुराने टीवी से बनी दीवारें दीवारें वाला दिलचस्प एक मकान है। पुराना टीवी, हम टीवी तो नॉर्मली जो ब्लैक एंड वाइट या इस तरह के टीवी अब तो इस्तेमाल में नहीं होते, लेकिन वियतनाम की एक घर है वियतनाम का, जहाँ पर एक इंसान ने अपने घर की दीवार जो है पुराने टीवी, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उसने टीवी की मदद से एक दीवार बनाई है। दूर से लगता नहीं है कि ये टीवी है, लेकिन जब करीब आके देखा गया तो ये बहुत ज़्यादा जो तादाद में टीवी लगाए गए और एक दीवार की शक्ल बनाई गई। लोग जो है, इस ये एक जजीरा है जनाब, इसमें वियतनाम का एक जजीरा है जहाँ पर ये टीवी सेट्स की मदद से बनाई गई दीवार मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये टीवी ठीक करने वाला कोई आदमी था, उसने ये मकान बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसको ये टीवी सस्ते भाव मिल गए इसलिए उसने खूबसूरत तरीके से इनको सजा लिया। मतलब जितनी बातें सोशल मीडिया पर, ऑब्वियसली जब ये चीज़ पॉपुलर होती है तो मुख्तलिफ किस्म की जो राय है वो सामने आती है, लेकिन टेलीविज़न से बनी इस दीवार पर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी भी वक्त नुकसान भी पहुँचा सकती है, क्योंकि उसमें धात भी है, केमिकल्स भी हैं, तो तमाम चीज़ें वहाँ पर, हवा का जो एक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और खुदा न खासा को नुकसान भी हो सकता है। तो जो लोग हैं वो उसको खासा जो है क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ सराह भी रहे हैं। तो ये मामला जनाब क्रिएटिविटी की वाकई कोई लिमिट नहीं होती है, जब इंसान ने कुछ सोचा हो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और जिस तरह टीवी की मदद से उन्होंने ये दीवार बनाई है तो हमें घर में बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कई बार हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, डॉक्टर आतिफ काजमी ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे हम बात करेंगे बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से, जो इस मौसम में आपको मसाइल होते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर आतिफ, कैसे हैं? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। स्किन की बात करें, बालों की बात करें, तो ये मौसम कुछ अजीब सा होता है, बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट आते हैं, तो इस मौसम के हवाले से बालों और स्किन की बात की जाए तो क्या कहते हैं? देखिए, बात ये अरमिला की, अब आजकल तो पसीना गर्मी हब्स लाहौर में, और आजकल जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 माह हैं जिसमें बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो सबसे ज़्यादा मसले जो आते हैं मैंने देखा है इसमें बाल गिरते हैं जनरली। तो ख़वातीन स्पेशली जब हमारे पास आती हैं तो वो कहती हैं डॉक्टर साहब जब हम सुबह शावर लेते हैं, बाथ लेते हैं, तो बाथरूम हमारा भरा होता है बालों के साथ या टब में बाल ही बाल, और कहती है हमें देख के ही होता मेरे है तो आजकल खुद यही हाँ, मसाइल चल रहे हैं। तो मैंने वही कहा ना, तो वो कहती है जी अगर ये हालत रही तो हम सोचते हैं हमारा 1 महीने में क्या बनेगा, ये तो सब सफाया हो जाएगा ऊपर। फिर मैं उनको ये समझाता हूँ कि इसमें घबराने की बात नहीं है, ये वेदर जो है ये मानसून वेदर, इसमें नॉर्मली हर शख्स के बाल गिरते हैं,
वैसे जो नॉर्मल रेट है बाल गिरने का एक शख्स में, वो 100 to 150 हेयर्स पर डे है। अच्छा। हाँ जी, ये एक नॉर्मल है जो हर बंदा, हर शख्स के बाल गिरते हैं। तो अगर बरसात में, मानसून में बाल ज़्यादा गिरे तो हमें घबराने की बात नहीं है कोई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी डाइट बेहतर होनी चाहिए। अगर आप आजकल बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, दूध लें, दूध वाली डिज़र्ट्स ज़्यादा लें, फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कोशिश ये करें कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करें। और बाकी ये है कि शावर तो हम लेते ही हैं डेली, गर्मी में, पसीने में, हबस में, और अगर आपके पास एयर कंडीशन फैसिलिटी है घर में तो कोशिश करें उसमें रहें, पंखा है तो उसके सामने, तो बाहर पसीने और हब्स में कम अवॉइड करें। अच्छा, अक्सर वजह क्या होती है कि इस मौसम में बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं? बाल, ये वजह देखें, बाल ये होती है, बाल जो गिरते हैं ना, इनका एक साइकिल है बाल के बनने का और गिरने का, वो तीन फेजेज हैं, एनर्जन, कैटोजन, टीरोजन, ये हमारी अपनी टर्म्स हैं हमारी। एक तरफ बाल ग्रो कर रहा होता है, पुराने बाल गिर रहे होते हैं और नए बाल आ रहे होते हैं, तो ये एक साइकिल पे बाल चलते हैं इस तरह। अगर अल्लाह ताला ने ये साइकिल ना बनाई होती और बाल ना गिरते तो हम तो सारे भालू बन जाते, सब जानवरों की तरह बाल ही बाल होते जिसम पे। अगर बाल ना गिरे, हम नॉर्मली, आप ये सोचो कि हमारे किसी के बाल नहीं गिरते, हमारे बाल इसी तरह ही आते रहे, तो ये तो यहाँ से बाल यूं लटक रहे, हमारी आईब्रोज लटक रही हो, हमारे कानों के बाल लटक रहे हो, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, खुदा ताला की जात की, कि एक साइकिल ऐसी बनी हुई है कि पुराने बाल गिर जाते हैं, नए बाल आ जाते हैं। लेकिन हब्स में और गर्मी में हमारे जो ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इनके ग्लैंड जो होते हैं ये ज्यादा बंद हो जाते हैं, पोर जिसे कहते हैं, और इस वजह से बालों का गिरना ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, स्किन की भी थोड़ी सी बात करें तो अभी हम बात करते हैं, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी क्या वजह? मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था पहले कि डार्क सर्कल जो है ये आजकल सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, और ज्यादातर खवातीन में, बच्चियाँ, लड़कियाँ, आपकी एज की यंग बच्चियाँ, मदर्स जो हैं, वर्किंग लेडीज, स्ट्रेस और एंजाइटी का बहुत बड़ा रोल है। और आप लोग आजकल पानी नहीं पीती, फिर जो लोग, मैं कहता होता हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब इस मौसम में पानी कितना पीना चाहिए, मेरा ख्याल है कम से कम 8 से 10 ग्लास पूरे दिन में 24 आवर्स में हमें। लेकिन जब मैं किसी से पूछता हूँ, खवातीन से जो आती हैं, तो वो कहती हैं डॉक्टर साहब 3-4 ग्लास पीते हैं, इससे ज़्यादा तो पिया नहीं जाता। तो हल्के जो हैं ये भी फिर क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। एक बात याद रखें, जब हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हम अगर पानी उतना ना पिएं और बीच में नमक ना डालें तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन से स्किन ड्राई हो जाएगी, आंखें अंदर को चली जाती हैं। कई दफा लोग पूछते हैं कि तुम्हारी आंखें तो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, ये अंदर को क्यों घुस गई भाई? तो उसके रीजन है, नंबर 1, इम्प्रॉपर डाइट, दूध ना पीना, फ्रूट्स और जूसेस ना लेना, और उसके बाद नींद पूरी ना करना। अब लोग समझते हैं कि जी नींद जो नाइट शिफ्ट एक चल रही हो कहीं, जिस तरह यहाँ टेलीविजन पे चलती है, जो लोग यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो सुबह जाके जब सो जाती हैं 10 बजे और 3 बजे उठते हैं, तो वो समझते हैं हमारी नींद पूरी हो गई। लेकिन रात की नींद का कोई अल्टरनेटिव नहीं, उसका रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि रात को अल्लाह ताला ने जो बॉडी में हॉर्मोन्स बनाए हुए हैं, जो सिक्रीट होते हैं, वो रात को और हॉर्मोन्स हैं, सुबह के हॉर्मोन्स डिफरेंट हैं, शाम के हॉर्मोन डिफरेंट है। ये अल्लाह ताला की जात ने हमारी बॉडी को इस तरह बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब, ये मौसम भी ऐसा रहता है कि ऑन एंड ऑफ चीजें बदलती रहती है, कभी बालों में जो फ्रिजीनेस है वो भी बहुत ज्यादा होती है, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, बालों का फ्रिजी होना, स्प्लिट एंड्स होना, बालों का रफ होना। अब एक मसला और है, हम लोग जो मर्द लोग हैं, हम लोग तो नहाते हैं, बाल सीधे बनाते हैं और काम पे चले जाते हैं। आप लोगों ने जब शावर लेना होता है तो आपने बालों के साथ आधा घंटा खेलना होता है खवातीन ने। अब वो खेलने का क्या मतलब है? आपने जनाब शैम्पू करना है, डिफरेंट किस्म के शैम्पू जो टीवी पे इंडियन एक्ट्रेसेस कमर्शियल में आती हैं, वो शैम्पू खरीद के लाती हैं, हम लोगों ने सीधा साबुन सर पे मलना है और अपने काम पे चले जाना है। फिर आप लोगों ने पर्मिंग करानी होती है, फिर रोलर्स लगाने होते हैं, कंडीशनर, मास्क, कंडीशनर, क्या क्या करते हैं। आप लोग, खवातीन जितनी हैं, अपने बालों का खुद बेड़ा गर्क करती हैं, हम लोग नहीं कर, वो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि बालों को ज्यादातर आप जितना इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगी उतनी बालों की वेयर एंड टेयर ज्यादा होती है। फ्रिजी बाल क्यों होते हैं? फ्रिजी बाल को अंग्रेजी का मतलब है, जो नहीं समझते, वो मतलब होता है कि बड़े चिपके चिपके खुदरे से रफ बाल, और उनमें कोई चमक नहीं होती बालों में।
तो वो लोगों को मैं उनको ख्वातीन को कहता हूँ कि भाई खुदारा अपने बालों के साथ मत खेला करो, यानी आप डेली नया शैम्पू यूज कर रही हैं, डेली नया कंडीशनर कर रही हैं, और फिर क्या होता है डेली आप लोग जब वो उनको बालों को स्प्रे यूज करती हैं, हेयर ड्रायर यूज कर, अब हेयर ड्रायर जो है हमारे अक्सर देखा जाता है ख्वातीन आप लोग हेयर ड्रायर करती हैं तो क्या होता है वो हेयर ड्रायर बालों को बर्न कर रहा होता है। जब आप हेयर ड्रायर यूज कर रही हैं तो हेयर फॉलिकल्स आपके बर्न हो रहे हैं उस हीट के साथ जो आ रही है, तो फिर ये अगेन ख्वातीन के मसले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बालों के लिए एक खातून को जो है जो यूज कर रही है एक ही शैम्पू यूज करें जो उनको सूट करता है, एक ही कंडीशनर यूज करें, और डेली हेयर ड्रायर ना यूज करें और डेली उसको रोलर ना यूज करें और डेली उसके साथ पर्मिंग ना करें ताकि बाल उनके फ्रेश रहें। फ्रेश रहें, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अक्सर जो खवातीन हिजाब करती हैं उनका भी बड़ा इशू होता है कि गर्मी के दिनों में पसीना है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो वो क्या कर सकती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हिजाब के लिए मैं ये देखता हूँ मेरी जितनी पेशेंट्स आती हैं वहाँ मेरे क्लिनिक पर, ज्यादातर का हिजाब कॉटन का नहीं होता। अगर आप देखें कि हिजाब जिन खवातीन ने किया होता है या अबाया पहनी होती है वो कॉटन नहीं होती, उसमें सिल्क और पॉलिएस्टर है। अच्छा, मैं उन खवातीन को ये कहता हूँ कि ये आप अब एक औरत अगर यूं हिजाब कर रही हैं, उनका कपड़ा यूं नाक पे ऊपर रहता है और वो पॉलिएस्टर और सिल्क है, तो उनको नीचे इतना पसीना आएगा गर्मी में कि वो एक्नी भी बनेगी जिसको कील मुहासे कहते हैं, पोर्स उनके बंद हो जाएंगे और उनको खारिश होनी शुरू हो जाएगी और चेहरा इतना रेड हो जाएगा कि वो कहीं बैठ नहीं सकती। तो इनको चाहिए कॉटन के हिजाब और कॉटन की अबाया बनाएं। दूसरी बात है ब्लैक हिजाब जो है या ब्लैक अबाया दिन में नहीं पहननी चाहिए। ये ब्लैक जितने भी कपड़े हैं, कपड़े भी ब्लैक जो हम लोग पहनते हैं आप लोग खवातीन या मर्द लोग, हमें मगरिब के बाद पहनने चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ब्लैक कपड़ों में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, और वो जब एक औरत ने अबाया पहनी हुई है या उसने हिजाब लिया जो ब्लैक कलर का है तो और वो वर्किंग लेडी है और मार्केटिंग की जॉब कर रही है तो वो इतनी अल्ट्रावायलेट रेज उसमें एब्जॉर्ब होंगी कि स्किन उसकी हिजाब में भी बर्न हो जाए। तो मैं उनको ये कहता हूँ तो ऑफ वाइट कलर या बेज कलर का हिजाब पहने दिन के वक्त, मगरिब के बाद आप काले रंग का पहन लें जब वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हिजाब को उतनी देर रखें जितनी देर आप काम पे हैं, और घर जाते साथ ही आप अपने हिजाब को उतार दें ताकि घर में कम से कम आपको फ्रेश एयर की फीलिंग हो, बालों को भी हवा लगे और चेहरे को भी, क्योंकि बालों में जब पसीना आता है तो वो भी डॉक्टर साहब होता बिल्कुल है। जब भी बालों में पसीना आएगा, देखिए ना, एक हिजाब आपने बांधा हुआ है पूरा सर में और अगर 12 घंटे वो आप जॉब पे हैं या आपका हिजाब नहीं उतरता तो वो तो ना हवा लग रही है सर को, पसीना भी आ रहा है, हब्स भी इतना गर्मी, पोर्स बंद हो गए हैं, तो बाल उसके साथ फ्रिजी भी होंगे, बालों का वेयर एंड टेयर भी बहुत होगा और बाल गिरेंगे, और कई खवातीन ये फिर होती हैं कि उनके गंजापन शुरू हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ काजमी, बहुत शुक्रिया। और जनाब उम्मीद करेंगे कि आज के टॉपिक के हवाले से जो आपकी बालों और स्किन के मसाइल को हमने डिस्कस किया आपके काम आएंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।